इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स क्लास 11 फेडरल बोर्ड एंड केपीके बोर्ड से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टॉपिक 1.9, पेज नंबर 24। इसमें एग्जाम्पल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कवर होते हैं, आपने ये सब तैयार करने अच्छे से। देन चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में आपने 2.6 टॉपिक करना है अच्छे से प्रिपेयर, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। कंप्लीट टॉपिक करना है आपने, प्रिपेयर ये। देन आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स 2.7, जिसमें स्केलर एंड वेक्टर जो नेक्स्ट पेज पे है दोनों शामिल हैं, आपने दोनों अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, राइट। इसके बाद हम जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर 3 में आपने स्टार्टिंग के टॉपिक्स शामिल नहीं है तो आप वो प्रिपेयर नहीं करेंगे। आप लोग डायमेंशन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 से स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड वेक्टर एडिशन, एंड चैप्टर 3 से आप लोग स्टार्ट करेंगे इंपल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम प्रिपेयर करना आपने अच्छे से, जो कि पेज नंबर 93 पर है। देन जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने पेज नंबर 97 पर टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक लोडिंग इन वन डायमेंशन, लॉन्ग के लिए आपने बहुत अच्छे से इसकी डेरिवेशन प्रिपेयर करनी है कंप्लीट। देन आपके पास 3.11 टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट, इसकी रेंज, हाइट, टाइम सब आपने तैयार करना है। पेज नंबर 102 से स्टार्ट होता है ये और ये जाता है 107 तक, राइट। चैप्टर 4 पे आते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है 4.2, पेज नंबर 122 पे, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देन आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग आता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 4.6, पेज नंबर 131 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास इसी के बाद है 4.7 स्केप वेलोसिटी, इसकी डेरिवेशन, प्रूफ, थ्योरी, इस चैप्टर में बस इतने ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 आपके पास आ जाता है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, राइट। तो इसमें आपने लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, 5.3 पेज नंबर 155। देन आपके पास टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 161। देन है आपके पास एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिपेयर करना अच्छे से। इसके बाद रोटेशनल करंट एनर्जी का टॉपिक है 5.7 पेज नंबर 170 पे, इसमें ये और इससे रिलेटेड आपके पास दो वेलोसिटीज निकालनी है आपने डिस्क एंड हुप की, दोनों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है डिस्क एंड हुप के लिए। इसके बाद और कोई टॉपिक इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स में जब आप आएंगे तो आपने स्टोक्स लॉ 6.2, देन आपके पास आ जाता है 6.3 टर्मिनल वेलोसिटी एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट, दिस वन, एंड दिस इज पेज नंबर 202, सो बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन इस पार्ट सिलेबस में नहीं है तो आप लोग इसको नहीं करेंगे। देन आप आते हैं ऑसिलेशंस पे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन 7.4228, सिंपल पेंडुलम नहीं, दिस वन 7.5.1 पेज नंबर 233, एनर्जी कंजर्वेशन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, आपने प्रिपेयर करना अच्छे से। फेस 7.9 238 पे है। यूनिट नंबर 8 वेव्स, वेव्स में आप लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपेयरिंग स्पीड ऑफ साउंड से, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसमें न्यूटन मेथड एंड फर्स्ट पेपर न्यूटन मेथड है, उसके बाद लैपलास करेक्शन, बहुत टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सेम टॉपिक्स हैं, एक में सिंपल डेरिवेशन है एक में उसकी करेक्शन है। देन इसके इफेक्ट्स
इसमें डेंसिटी, मॉइस्चर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड स्पेशली प्रेशर एंड टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं वो लाजमी डेरिवेशन प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपके पास इस चैप्टर में है इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेशनरी वेव्स 8.10 पेज नंबर 274 पे। इसमें जो सब टॉपिक्स हैं इन स्ट्रेच स्प्रिंग दिस वन, एंड इसके बाद इसके तमाम जो पार्ट्स हैं ओपन पाइप, क्लोज पाइप, ओपन एट वन एंड, एयर कॉलम्स, ये आपने सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इट मीन्स स्टेशनरी वेव से रिलेटेड जो भी चीजें आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ऑर्गन पाइप में ओपन पाइप, क्लोज पाइप, तमाम इसके केसेस, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, सब प्रिपेयर करना अच्छे से। डॉपलर इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सो चैप्टर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चैप्टर 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। देन आप इसके बाद आ जाएंगे चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर 9 इज फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में आपने कोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन लॉन्ग के लिए आपका जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन कंप्लीटली। और इसके बाद आएगा डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग कंप्लीट, एंड लास्ट वन इज डायफ्रेक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल, राइट। इसके बाद लास्ट चैप्टर में दो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक है दिस वन, रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जिसका प्रूफ में सीपी माइनस सीबी कर चुका और भी आ जाता है प्रूफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेज नंबर 362 पे। और लास्ट वन इज कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन, पेज नंबर 267-268। ये तमाम टॉपिक कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन कंप्लीटली आपने प्रिपेयर करना है। सो इसमें कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन, सीपी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ये और आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन है जिसमें आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसो थर्मल एंड आइसो एडियाबैटिक, ये चारों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये भी कभी कभी आ जाती है, लेकिन आपने सीबी माइनस सीबी को सुआर और कार्नोट साइकिल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड एंड केबीके बोर्ड।